Hello friends, welcome to my YouTube channel Buildings Construction. दोस्तों आज मेरा टॉपिक है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड देयर रेशियोज। दोस्तों आपको मेरे टॉपिक से क्लियर हो गया होगा कि आज मैं आपको ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों बेसिकली हमारे पास बहुत से ग्रेड होते हैं कंक्रीट के और वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन में यूज करते हैं। M5 टू M15 जो होता है इसे हम ऑर्डिनरी कंक्रीट कहते हैं। M20 टू M35 जो होता है उसे हम स्टैंडर्ड कंक्रीट कहते हैं। और दोस्तों M40 टू M80 भी कंक्रीट होते हैं, उन्हें हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहते हैं। यहाँ पे मैंने M40 तक ही लिखे हुए हैं क्योंकि बेसिकली हम M40 तक ही कंक्रीट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे C का मतलब सीमेंट है, S का मतलब सैंड है और A का मतलब एग्रीगेट है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इनकी रेशो क्या होती है। M5 की रेशो होती है 1:5:10। यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर हम बाउल ले लें, अगर एक बाउल हम सीमेंट का लेंगे तो 5 बाउल हमें सैंड के लेने पड़ेंगे और 10 बाउल हमें एग्रीगेट के लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ M7.5 की रेशो होती है 1:4:8। M10 की रेशो होती है 1:3:6। M15 की रेशो होती है 1:2:4। M20 की रेशो होती है 1:1.5:3। M25 की रेशो होती है 1:1:2। M30 की रेशो होती है 1:1:3। M35 की रेशो होती है 1:0.5:1। M40 की रेशो होती है 1:0.25:0.5। दोस्तों ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट टाइम टू टाइम वेरी करेंगे। जैसे अगर हम कॉलम में फुटिंग में M50 या M60 ग्रेड यूज़ करें तो जैसे जैसे हमारी बिल्डिंग की हाइट बढ़ती जाएगी ग्रेड ऑफ कंक्रीट लो होता जाएगा। बेसिकली हम कॉलम में M42, M50, 60 की ग्रेड यूज़ करते हैं और बीम और स्लैब में M22, M25 और स्टेयर केस में हम नॉर्मली M20 यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होती है इंक्रीज करती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और मेरे चैनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब जरूर करो।